बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और जानने वालों को मेरी एक और अगली वीडियो में शामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सारे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ उमान में रखे, आमीन। आज माशाल्लाह एक बार फिर नमाज जुम्मा जो है अदा करने के बाद, यहाँ जो पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको दिखाया था जामा मस्जिद जो थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने की तौफीक हासिल हुई है। अब मैं अपने जो है वो हॉस्टल के ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ और साथ ही मेरे पे जो है ना, ये इस तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो ये पीछे है इस्लामिक सेंटर, यानी कि जितने भी बीएस इस्लामियात में करते हैं या इससे रिलेटेड एमफिल पीएचडी, वो इधर है ये सारा। और इस तरफ मेरी जो है ना पिछली जानब, ये हमारा हॉस्टल है इस्लामिक सेंटर, यहाँ फ़िलहाल मैंने स्टे किया हुआ है। स्टे क्या, बस ऐसे ही मामला। आज की वीडियो का मकसद है कि जो कुछ भी मामलात फ़लस्तीन में गज़ा में हो रहे हैं वो काबिल मज़म्मत है। खुदा का खौफ करे उम्मत मुहम्मदिया, और हमें कम से कम इस चीज़ का ऐलान करना चाहिए, इस चीज़ का आवाज़ उठानी चाहिए, कम से कम जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जो जितने भी यहूदी थे जो बाकी ममालक में रह रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की है, ऐलान करके रैलियाँ निकाल के ये कहा कि जो भी वहाँ पर ये इसराइली अमेरिका के साथ मिलके ये मामला कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आप मुझे ये बताएं कौन है वो, कौन है वो जो ये कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में तेल सप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की जो मदनियात है वो सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बूंद पानी की उधर नहीं भेज सकते। ऐसे हुक्मरानों को मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बेहतर समझते हैं इनका क्या इलाज होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी एटमी ताकतें हमारे पास, वो कब्र में जाके चलानी है, किसने कब चलानी है? जब एक देखें, वो एक वक्त था जब एक दुनिया के एक कोने में जो है वो किसी एक उम्मत मुहम्मदिया को के किसी एक बंदे को जब कोई कांटा भी चुभता तो वो कहाँ तक आवाज़ आती और कहाँ से मदद करने के लिए वो सिपल सलार वो आ रहे हैं। ये आप मुझसे बेहतर हिस्ट्री सारी इस्लाम की जानते हैं। ये वीडियो असल में बनाने का मकसद ही ये है कि हालांकि ये काम हमारा नहीं है, हम अभी मतलब जिहाद नहीं कर सकते, जिहाद से मुराद है कि तलवारें निकालनी और चलें जी मतलब इसराइल को फतह करना या इन ममालक को जो जुल्म डा रहे हैं, लेकिन अब उसकी शक्ल चेंज हो गई। उसका अब हमारे ऊपर वक्त यह है कि हम अपने जानने वाले को, अपने बहन भाइयों को इस चीज़ का इलम दें, शऊर दें, और खुद ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझिए, शऊर हासिल करेंगे ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। अब जितना भी राशन जा रहा है वो किन बार्डरों पे खड़ा है, सारे ट्रक उधर जाम हुए हैं, बहुत ही ना होने के बराबर वो चंद एक शायद आगे जाने दे रहे हैं मेरे ख्याल से, वो भी नहीं। अब मैं इशारंदन आपको बताऊँगा, अब एक बंदा है नौज बिला, उसके क्या कहते हैं एक बाजू के नीचे जो है वो मस्जिद अक्सा का वो मतलब बना हुआ है नक्शा, और दूसरा उसका हाथ जो है ना वो नौज़ बिल्ला अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, वो काबा के ऊपर है, और दूसरी तरफ क्या है कि वो जितने भी अरब ममालक हैं वो क्या है कि एक मतलब बेहुदा जो औरत है वो डांस कर रही है, ठीक है, और मतलब साथ में वो क्या कहते हैं वो शीशे चल रहे हैं। तो ये किस चीज़ का नक्शा खेल है, वो एक तस्वीर में एक कार्टून में सारा उन्होंने बयान कर दिया। क्या आज जितने भी 55+ जितने भी इस्लामी ममालक है, क्या उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उन चंद एक का मुकाबला कर सकें? हमारे एक टीचर ने बताया कि उनका एक ऐसे बंदे से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि चंद मिनट में एटमी जो पावर है हमारे पास उसको इस्तेमाल करके हम चंद मिनट में, यानी कि 15 से 20 मिनट कह लेंगे इससे लगभग तकरीबन, हम वो जो भी ये ममालक ये जुल्म ढहा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनको चंद मिनटों में नेस्त व नबूद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। कर सकते भी हैं लेकिन नहीं कर सकते, मजबूर हैं, हाथ बंधे हुए हैं। अरे भाई ये बात समझिए कि हम अपनी मेहनत तो खुद करके अपना खाते हैं। मैं फिर भी बात ये कर रहा हूँ कि ये मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करना है इस तरह, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नेशनलिटी रखते हैं, पाकिस्तान हमने हमें इतने हकूक़ फ़राइज़ दिए हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि कम से कम हम शऊर हासिल के चंद एक जो अल्लाह उनको हदायत दे, जो मतलब अमेरिका के कुछ सपोर्टर के जब वीडियो देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कौम वैसे हालात, अरे डूब मरो यार, डूब मरो ऐसी सोच रखने वालों। फ़लस्तीन वाले बेचारे क्या हाल है, हमारे इधर नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करें, मैं फिर ये बात को इधर सियालकोट में थोड़ा सा वाक़ हुआ है ना इंडिया के वालों की तरफ से, तो क्या पूरे मुल्क में हल्ला हलगुला मच गया,
ठीक है ना। अब वो मुझे बताए वहाँ जो सूरत हाल है वो इतनी देर से चल रही है कश्मीर में जो हो रहा है वो नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा, ठीक है ना। ये इतनी इतनी जो तंजीमें बनाई हुई हैं इस्लामी मालिक की दूसरों की, इनका इनको तो फिर आप बेहतर ही जानते हैं इनका फिर क्या इलाज करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अल्लाह ताला आप सबको हमारे जो मामला हैं उनको बेहतर फरमाए, और इसके अलावा हमें अपने दीन का अपने इर्द गिर्द के माहौल का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से शऊर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा जिन लोगों को मेरी तरह थोड़ा इलम है उनको चाहिए कि वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे राइटरों की और अच्छे चैनल्स के अच्छी वीडियोज़ को देखें, ठीक है ना। ये बस इतनी है, बाकी आप ये कर सकते हैं कि अपने जानने वाले दोस्तों में ये चीज़ ज़ेरे बहस लाएँ, ठीक है ना। अभी वो चाहते हैं कि पहले की बात है कि वो जो मतलब सऊदी अरबिया में जो हो रहा है क्या हो रहा है वो आपने देख के बताना है, उधर क्या गैर हलाकी मामला हो रहे हैं। तो हमारा दीन तो ऐसा नहीं है। अभी भाई देखें अक्सर लोग ये नमाज पे करते हैं, पहले नंबर पे तो नमाज जो भी है ना नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, वो चाहे कानों को हाथ लगाएँ ना लगाएं, मतलब वो रफू दाने हाथ ऊपर बांधे नीचे बांधे ये मामला बात का, पहले नमाज तो पढ़नी शुरू करें ना, ठीक है ना। ये चंद एक जिनकी थी बात है ये उनको वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यार पहले नमाज तो पढ़ लें, नमाज पढ़नी शुरू करेंगे तो फिर बाद में देख लेंगे कि इसका तरीका क्या है। अब यार अगर ऐसी बात है नमाज अगर हाथ छोड़ने से नमाज नहीं होती, हाथ बांधने से नमाज वो फिर कैसे होती। अब मुझे ये बताओ जिन लोगों को चारों का हाथ नहीं है वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं नमाज पढ़ सकते, लेट के पढ़ रहे हैं या इशारे से पढ़ रहे हैं, उनका क्या करेंगे। उनको भी अल्लाह ने कही उनका भी तो अल्लाह ताला ने हिसाब लेना ही है ना। तो इसलिए पहले नमाज जो है वो फ़र्ज़ हुआ है वो पढ़नी चाहिए, जैसे भी है जैसे आपको इजीली लगती है जैसे बेहतर लगती है। इन मामलात की वजह से मैं माजर के साथ हमारा एक हाथ सबका इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर देता है जिसकी वजह से नौजवान नस्ल इन चीज़ों से भागती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ के बारे में शऊर हासिल करें और जितना हो सके उनके हवाले से, और एक ये भी है कि हम दुआ कर सकते हैं इसमें, दुआ के हवाले से मुख्तलिफ मामलात में चीज़ें मामलात मौजूद हैं उसमें, यह है कि हम एक तो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है और दूसरा मौजूद नहीं है, और ये दोनों बहुत ही अफजल वाले मामलात हैं, सही है ना। इसमें यह है कि जो भी एक मुसलमान है और दूसरा मौजूद नहीं है उसके हवाले से दुआ करना वो कहते हैं कि बहुत जल्दी सुनी जाती है। हम फ़िलहाल इतना कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं तो जो चंदा उस हवाले से रात चंदे से बात आते याद आई कि जो माल जमा हो रहा है अल्लाह ताला उस माल की भी हिफाजत कराए, जो फ़लस्तीन के नाम पर जमा हो रहा है वो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। आप उस माल में जमा अगर आपको लगता है तो माल जमा करवाएं, इसके अलावा अपने जानने वालों में ये चीज़ देर बहस लाएँ, इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस चीज़ को अवेयरनेस हासिल करें, शऊर हासिल करें कि वहाँ पर हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कौन कौन इसको रोक सकता है मगर क्यों नहीं रोक रहे, ठीक है ना। ये सारे मामले आते हैं। तो ये थी आज की चीज़ें। मैं चाहता तो इस वीडियो का शॉर्ट भी बना सकता था लेकिन नहीं, शॉर्ट में उस तरह नहीं बात क्लियर होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे मामला बेहतर फरमाए। अगर मेरी इन चंद बातों से किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मैं जहां भी भटक जाऊं मेरे रहनुमाई फरमाना। आप इस हवाले से अगर समझते कोई चीज़ खास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबके और मुझ जैसे गुनाहगार के मामला बेहतर फरमाए, आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।